हेलो दोस्तों, मैं आनंद आपका डिजिटल फैक्ट्स फैक्ट्री चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ट्रिपल सी के प्रीवियस मॉडल पेपर से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, यह ट्रिपल सी मॉडल पेपर की फर्स्ट वीडियो है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, SMTP का पूरा नाम क्या होता है, यानी कि दोस्तों SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है सर्वर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड बी ऑप्शन दिया गया है, यानी कि दूसरा ऑप्शन दिया गया है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड सी ऑप्शन दिया गया है स्मॉल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड डी ऑप्शन दिया गया है शॉर्ट मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यानी कि हमारा यह सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ईमेल एड्रेस कितने भाग से मिलकर बना है? दोस्तों, ईमेल एड्रेस कितने पार्ट होते हैं? तो ऑप्शन ए दिया गया है एक भाग से, और दोस्तों बी ऑप्शन दिया गया है दो भाग से, एंड दोस्तों हमारा सी ऑप्शन दिया गया है तीन भाग से, और चार ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दो भागों से मिलकर बना है, और यह दो भाग एट द ग्रेट से अलग अलग होते हैं। और क्वेश्चन नंबर तीसरा, वैन का पूरा नाम क्या होता है, यानी कि WAN का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों, इसका फर्स्ट है वेब एरिया नेटवर्क, और सेकंड ऑप्शन है वाइड एरिया नेटवर्क, और दोस्तों थर्ड ऑप्शन है विंटर एरिया नॉर्थ, और डी ऑप्शन यानी कि लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। दोस्तों, क्वेश्चंस चुनिंदा हैं, इसको नोट करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा, लिब्रो ऑफिस के स्टेटस बार में इनमें से क्या नहीं दिखता है? दोस्तों, इसमें ऑप्शंस में देखेंगे। क्वेश्चन का ऑप्शन ए टोटल वर्ड, एंड ऑप्शन बी प्रेजेंट पेज नंबर, एंड दोस्तों हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा नेम ऑफ द कंप्यूटर, एंड डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नेम ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव है कैल्क में डिफ़ॉल्ट साइज है। दोस्तों, कैल्क में डिफ़ॉल्ट साइज कितनी होती है? 11 यानी कि 11 होती है, और बी ऑप्शन दिया गया है 10 होती है, एंड दोस्तों सी ऑप्शन दिया गया है 12 होती है, या फिर डी ऑप्शन दिया गया है 13 होती है। तो दोस्तों, कैल्क में डिफ़ॉल्ट साइज 10 होती है, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक नया स्प्रेडशीट खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? दोस्तों, एक नया स्प्रेडशीट को ओपन करने के लिए
किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? देखिए दिया गया है ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का यूज करते हैं, या फिर बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस एन का यूज करते हैं, या फिर दोस्तों सी ऑप्शन दिया गया है शिफ्ट प्लस एन का यूज करते हैं, या फिर डी ऑप्शन दिया गया है शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस एन का यूज करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि कंट्रोल प्लस एन का यूज करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन सही है, इसको नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 7वां, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? दोस्तों लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सेल्स होती हैं या जो कॉलम्स से बना होता है उसको डिलीट करने के लिए किसका यूज करते हैं? ए ऑप्शन दिया गया है कंट्रोल प्लस प्लस, या फिर बी ऑप्शन दिया गया है कंट्रोल प्लस माइनस, एंड डी ऑप्शन सी ऑप्शन दिया गया है कंट्रोल प्लस डी, एंड डी ऑप्शन दोस्तों डिलीट। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, यानी कि कंट्रोल प्लस माइनस इसका राइट आंसर होता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां क्या दिया गया है, ये अमेजॉन से उठा लिया गया है। तो दोस्तों amazon.com किस मॉडल के तहत आता है? दोस्तों यह किस मॉडल के तहत आता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए दिया गया है B2C। B2C का मतलब दोस्तों होता है बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि बिजनेसमैन टू कस्टमर, और बी ऑप्शन C2C यानी कि कस्टमर टू कस्टमर, एंड सी ऑप्शन दिया गया है कस्टमर टू बिजनेसमैन, एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। क्वेश्चन नंबर 9वां यानी कि 9th क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कैल्क में रो का डिफॉल्ट साइज होता है। दोस्तों कैल्क में रो का डिफॉल्ट साइज कितनी होती है? दोस्तों ऑप्शन ए दिया गया है 0.18, और बी ऑप्शन दिया गया है 0.23, एंड सी ऑप्शन दिया गया है 0.25, एंड डी ऑप्शन दिया गया है 0.21। तो दोस्तों इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 0.18। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 10th क्या है, 10th क्वेश्चन दोस्तों हमारा हो जाएगा, बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है क्यों, किस किस में कराया जा सकता है? ऑप्शन दिया गया है ए ऑप्शन होम यानी कि घर की मरम्मत या बनवाने के लिए लोन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, और बी ऑप्शन व्हीकल यानी कि ट्रेवल्स खरीदने के लिए तो ले सकते हैं, और सी ऑप्शन एजुकेशन में भी लोन लिया जा सकता है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन दिया गया है ऑल ऑफ दिस यानी कि इसमें से सभी। तो दोस्तों इसमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ABC सभी राइट हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों पिछली वीडियो लिब्रे ऑफिस इम्पोर्टेंस के बारे में बनाई गई है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो उसमें जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज का हमारा थॉट है, सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े हो जाते हैं। दोस्तों इसी थॉट के साथ वीडियो का एंड करते हैं। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए।